हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे यानी मैथ्स बेसिक एजुकेशन ऐप पर। आज पुनः मैं लेके आया हूं ग्रेड एंड लर्निंग आउटकम परीक्षा 2020 जो 14 फरवरी को होने वाला है। उसमें कक्षा 5 में मैंने गणित के ज्यामिति के कुछ क्वेश्चंस चूज किए हैं जो आपके कोर्स के हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, दी गई आकृति का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है जो तीन तरफ से घिरी हुई है, तो इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई दो भुजाओं से घिरी हुई आकृति तो वो हमारा कोण कहलाएगा, और अगर वो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है तो वो चतुर्भुज हो जाएगा या वर्ग हो जाएगा, वो आयत हो जाएगा, जो भी नाम दिया उसे आप ले सकते हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक समकोण का मान क्या होता है यानी समकोण की माप क्या होती है? चूंकि जो समकोण त्रिभुज होती है उसकी बिल्कुल फिक्स माप होती है, निश्चित माप होती है, वो होती है 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री का जो एक कोण होता है ये आपका समकोण होता है, और इसकी जो माप है अगर आप चांदे से माप के देखते हैं या बनाते होंगे तो ये 90 डिग्री का होता है। तो ठीक इसी प्रकार से कोणों के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी यहाँ कर ली जाए तो जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटे हो जितने भी कोण हैं ये न्यून कोण के नाम से जाने जाते हैं, और 90 डिग्री का जो कोण है वो आपका कहलाता है समकोण, और 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो ये अधिक कोण कहलाता है, और ये जो सीधी लाइन होती है इसे सरल कोण अथवा रिज कोण कहते हैं, और इसकी वैल्यू सदैव 180 अंश या दो समकोण होता है, मतलब इसको आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन, रिज कोण या सरल कोण की माप क्या होती है? अभी मैं बता चुका हूँ रिज कोण सरल कोण या सिंपल कोण का मान होता है 180 डिग्री। इसके पहले मैं आपको फिर बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 75 डिग्री माप से कौन सा कोण बनेगा? यानी 90 से कम है तो ये न्यून कोण बनेगा, इसलिए यह न्यून कोण होगा, ना अधिक कोण होगा ना सम कोण होगा, वो न्यून कोण होगा। अगला है, त्रिभुजों के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होगा? ये बिल्कुल सत्य है कि त्रिभुज के जो तीनों ये कोण होते हैं इनका योग सदैव 180 अंश होता है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, जिसे हम लोग थ्योरम कह सकते हैं, सर्वविदित सत्य कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं? तो चूंकि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी कोई भी भुजा यानी एक ऐसे मान लो 3 है, ये 5 है और इधर ये कोई आपकी 4 हो जाए सपोज करिए, तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपकी बराबर होती हैं उसे हम लोग, जैसे ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हो गए तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका मतलब अगर जैसा इसका नाम है, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, और त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न आकृति में कौन न्यून कोण त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 90 से कम, ये भी 90 से, ये भी, तो ऑप्शन ए वाला, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया तो ये न्यून कोण नहीं है, यहाँ पर ये अधिक कोण हो गया, और ये तो पहली बार त्रिभुज ही नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ आगे, अगला देखिए प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या एवं व्यास में क्या संबंध होता है? तो देखिए वृत्त ये होता है, ये इसका व्यास होता है और ये त्रिज्या होती है ये वाली, तो वृत्त और व्यास जो है वो सदैव त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी किसी भी वृत्त में दो त्रिज्या मिलकर के, एक त्रिज्या ये एक त्रिज्या ये, तो 2 × त्रिज्या बराबर
व्यास होता है। यानी याद रखना है व्यास त्रिज्या का दूना होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके पास नाइन्थ डिस्प्ले है कि एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप का मतलब उसकी चारों भुजाओं का योग हो गया। तो आप अगर सूत्र याद है तो ठीक, नहीं तो 4 और 2 तो ये भी 4 होगी और ये भी 2 होगी। 4 4 8 और 2 10 और 2 12, यानी 12 होगी। या फिर किसी आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप यहाँ से लंबाई आपकी 4 चौड़ाई 2, 4 और 2 6 और उसको कर देंगे 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 2 12। यानी यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अगला है एक वर्ग की एक भुजा 1 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा इंटू भुजा। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा को 2 बार गुणा करना। तो चूंकि भुजा 1 है, 1 × 1 बराबर 1 ही आएगा, लेकिन ये वर्ग मीटर, यानी जो क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई सदैव वर्ग इकाई होती है। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा, किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर होगा। इस हिसाब से आपका आंसर ए वाला सही होगा, 1 वर्ग मीटर। लूडो के पासे की आकृति क्या होती है। लूडो आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से कि लूडो होता है जिसको हम लोग खेलते हैं, ये लूडो सदैव घन होता है। घन क्या होता है, एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। इस प्रकार से लूडो होता है उसको घन कहते हैं, और लंबाई चौड़ाई ना बराबर हों तो उसको हम लोग घनाभ कहते हैं। जैसे कमरा है या फिर माचिस है, मतलब हमारी माचिस देखे इस प्रकार से एक डिब्बी माचिस की आती है, तो ये माचिस होता है। तो माचिस सदैव घनाब होती है और लूडो जो है वो घन होता है। बेलन आप लोगों ने देखा होगा, ये बेलनाकार आकृति है, वृत्ताकार, वृत्त इसको ऐसे ये वृत्त बोलते हैं। अगला है आयतन। आयतन को क्या करना रहता है, आयतन को आपको 3 बार गुणा करना होता है। आप सभी लोग जानते होंगे आयतन में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती, तो 3 बार जब गुणा करते हैं तो वर्ग ना हो करके वहाँ घन इकाई होता है, इसलिए आयतन की इकाई सदैव घन इकाई होता है, ये हमें याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 वर्ग मीटर, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो चूंकि वर्ग है तो 2 बार करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा आपका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, पेंसिल बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो चूंकि पेंसिल का बॉक्स घनाभ होता है और घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अंग्रेजी में लिख दिया LBH या लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 20 × 6 × 1, 6 × 12, 120, 6 × 12, हाँ 120 और इंटू एच तो 120 ही आएगा, तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में, हालांकि ऑप्शन में गलत हो गया है, तो यहाँ पर आप ये 120 रख लें, ठीक है। तो चूंकि उसका आयतन पूछ रहा, तो आयतन होता है LBH यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 20 × 120 होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही होगा। जो कि गलत हो गया उसे आप सही कर लीजिएगा।
ये हमारे थे आज ज्यामिति के क्वेश्चन। अभी लाभ हानि और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जिनको मैं बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ, और इसमें भी भिन्नों के जोड़, भिन्नों का घटान और भिन्नों का गुणा भी है, दशमलव के क्वेश्चंस है, बहुत जल्द कल या परसों तक वो भी आपके सामने होगा। अगर हमारे क्वेश्चन पेपर समझ आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।